बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बगैर नाम लिए बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को गुजरात में अपनी कथा के मंच से जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि इस धरती पर करोड़ों लोग रहते हैं, तुम उनमें से एक हो, यही तुम्हारी औकात है। एक मंत्री जी आए, हम नाम नहीं बताएंगे वरना उनकी बेइज्जती हो जाएगी, मंत्री जी आए, उन्हें धक्का लगा, और धक्का लगता ही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ये शब्द बाण जिस पर चले, उसका नाम तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बगैर नाम लिए उन्होंने नेताजी की ठठरी बांध दी। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री बगैर नाम लिए बीजेपी के दिग्गज नेता और दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन की बात कर रहे थे। गुजरात में कथा के दौरान उन्होंने बालाघाट में हुआ ये वाक्या साझा किया। हम जब अंदर बैठे चाय पी रहे थे, बड़े नाराज, बताओ तो गुरुजी, बताओ तो आपके सेवादारों ने हमको धक्का दे दिया, हमको जानते नहीं, हम कौन है, 7 बार के विधायक हैं, आज तक हारे नहीं, ये वो दुनियादारी। हम चाय पी रहे थे, हमने बैठे ही बैठे चाय पीते पीते कहा, नहीं बहुत बड़ी गलत हो गई। अरे राम राम, बताओ, आपको धक्का दे दिया, पब्लिक को चाय धक्का दे देती, आपको धक्का नहीं लगना चाहिए था, जनता को धक्का लगना चाहिए, नेता को नहीं लगना चाहिए। उन्हें लगा ये हमारी महिमा अंगार है, सुबह बैठ गए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने मंत्री जी की औकात याद दिलाई थी। हमने कहा, सुनिए नेताजी, इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक ब्रह्मांड में यह भी एक ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 195 से ज्यादा देश है, 195 देशों में 8 अरब 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या रहती है, 8 अरब 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या में एक देश है भारत, भारत देश में भी 140 करोड़ लोग रहते, उसमें एक प्रदेश है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी लगभग 22 करोड़ लोग रहते, उनमें हजारों गांव, हजारों लाखों लोग रहते, उनमें तुम एक हो, ये तुम्हारी औकात है। दरअसल कथा सुनने पहुंचे गौरीशंकर बिसेन की धीरेन्द्र शास्त्री के गार्ड से कथित धक्का मुक्की हुई थी, इसका वीडियो भी सामने आया था। हालांकि बिसेन ने विवाद से इनकार कर दिया था। अब उसी घटनाक्रम को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने अंदर की बात बताई है।